यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टूडेंट्स आज के सेशन में। तो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, लेट मी नो इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड इन टुडे सेशन। यस, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं। यस, आप लोगों का ईयरली कंपाइलेशन आने वाला है, चिंता मत कीजिए, मार्च एंड तक तैयार हो जाएगा। ओके, इट्स गेटिंग प्रिपेयर्ड, नो नीड टू वरी एट ऑल। और जितना भी लास्ट वन एंड हाफ ईयर्स का करंट अफेयर्स है, इंक्लूडिंग डाउन टू अर्थ एंड दिस ऑल द न्यूज़पेपर्स एंड पीआईबी, जितना भी न्यूज़ एक्सपेक्टेड एरियाज में से भी है, वो सब भी मार्क करके दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ चलते हैं आज के सेशन की तरफ। 10, 11, 12, 3 दिन का न्यूज़ आज देखने वाले हैं हम लोग, आइए देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दैट दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह एंड आई बीन इन यूपीएससी एज अ यूपीएससी एजुकेटर एंड मेंटर फॉर द लास्ट वन डिकेड इन ऑफलाइन मेंटरिंग एंड लास्ट 2 to 3 इयर्स इन ऑनलाइन मेंटरिंग अपॉन वेरियस एडटेक प्लेटफॉर्म्स। यूपीएससी में मेरा एक्सपीरियंस 2 बार पर्सनैलिटी टेस्ट देने का है और मैंने 3 साल तक काम किया एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्सेस इन उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विसेज एंड IAS टॉपर्स मंत्रा। तो दिस इज आवर दिस इज माई इनिशिएटिव आउट हेयर और मेरी टीम का इनिशिएटिव एंड IAS टॉपर्स मंत्रा की तरफ से वेरियस कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं 2023 के लिए। 2024 के लिए कोर्सेज अपकमिंग है, एक हफ्ते में फर्दर डिटेल्स आपको 20 तारीख तक मिल जाएंगे, डिटेल्स रिगार्डिंग द 2024 एंड 25 बैच कोर्सेज ऑफलाइन कम ऑनलाइन एंड दिस विल बी अवेलेबल ऑन द मोबाइल एप्लीकेशन। द मोबाइल एप्लीकेशन वॉज ड्यू टू बी रिलीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च ओनली, बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स अपॉन द अपलोडिंग प्लेटफॉर्म्स, तो थोड़ा सा डिले हुआ है। 20 मार्च तक मोस्ट प्रॉबली रिलीज हो जाएगा विद द क्लासेज, फ्री क्लासेज विल बी ऑल्सो बी देयर एंड पेड क्लासेज विल ऑल्सो बी देयर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर कोई फर्दर आपको डिटेल्स चाहिए होंगे तो 8329637094 पर संपर्क कर सकते हैं आप, या 7038899438 या 7276637094। तो लेट्स प्रोसीड, करंट अफेयर्स का सेशन है। हम एटलस निकाल लीजिए स्टूडेंट्स, आप लोग GS पेपर 1, 2, 3, 4 मेंस का सिलेबस निकाल लीजिए, न्यूज़ नोटबुक निकालिए और 3-4 कलर के पेन निकाल लीजिए, बहुत ज़रूरी पड़ेगा आज, एटलस की ज़रूरत है आज। और मैं ये भी बता दूं, एवरी न्यूज़ एज ऑल ऑफ यू नो स्टूडेंट्स दैट वी सी इट फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इज डीकोड इंटरलिंक फॉर द मेंस। Also, we see it from the perspective of prelims 360 degree approach. So, chaliye, bina time waste kiye, aage badha ja students and let's see what is important and in today's current affairs. Chaliye. So, sabse pehla news, ye raha aapke saamne screen par, geography of India and world and इकोलॉजी एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। स्वार्म ऑफ अर्थक्वेक्स एट अलास्का वोल्केनो कुड मीन एरप्शन कमिंग। अर्थक्वेक्स और ट्रेमर्स डिटेक्ट किए गए अलास्का में। अलास्का में बता दूं, US का सबसे बड़ा स्टेट है, एज ऑल ऑफ यू नो यू कैन सी इट हियर, दिस इज अलास्का, द नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन फैक्ट बिकॉज ऑफ अलास्का ओनली USA इज कंसिडर्ड अ आर्कटिक कंट्री। यस, और अलास्का आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मार्क कर लीजिए मैप पर, आर्कटिक सर्कल यहाँ से गुजरता है क्या, एक बार देख के बताइए मुझे। यस, इट गोज थ्रू अलास्का एंड यू कैन अलास्का इज इंक्लूडेड इनसाइड द आर्कटिक सर्कल एंड अलास्का इज अपॉन द पैसिफिक रिम। यस, इट्स अपॉन द पैसिफिक रिम, पैसिफिक ओशन के पर इसका कोस्ट लाइन है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ये एक हिस्सा है अलास्का। और अलास्का के कुछ आइलैंड्स देखिए जो न्यूज में आए हैं, ये द हिंदू का न्यूज है, मैं बता दूं आपको, अलास्का वोल्केनो ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, अदक करके आइलैंड है, अदक आइलैंड देखिए आपको मार्क करना है, अदक आइलैंड कौन से आइलैंड्स का हिस्सा है, एलुशियन आइलैंड्स का हिस्सा आप देख सकते हैं, एलुशियन मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एलुशियन आइलैंड्स का हिस्सा है अदक आइलैंड, गेट द पॉइंट, एंड
2 minutes. And this Aleutian Islands ka part Adak, aur Adak ke upar ek volcano students, Tanaga. Dekhiye, Tanaga is actually a part of 3 volcano complex. You can see this volcano, Tanaga. Mark kar lijiyega, bahut hi important students. Ab sawal ye hai is jagah par that ki Alaska mein kya bahut sare volcanoes hai, bahut sare volcanoes hai, active hai. In fact, yahan par ek valley of smokes bhi hai. ठीक है, which is located upon the mainland. लेकिन ये Aleutian Islands is also a part of the that Aleutian Islands is also a part of the Ring of Fire, because of which these islands are full of volcanoes. Tanaga volcano, Adak Island, mark कर लीजिएगा, Aleutian Islands का हिस्सा, Alaska का part. अच्छा, मुझे कोई पुट अप करेगा क्या यहाँ पर कि North America का highest peak कौन सा है और कौन से ranges में, मुझे बताइए chat box में students. यस यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. तो नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक कौन से रेंजेस में है और क्या है माउंटेन पीक का नाम, मुझे बता दीजिए तो समझ ले हम लोग. ठीक है, तो इस बार तो स्टूडेंट्स लग रहा है वोल्केनोस कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं. नहीं, मुझे बताइए वोल्केनोस का जो इरप्शंस चल रहा है राइट फ्रॉम इंडोनेशिया, इस बार पैसिफिक ओशन के आसपास इरप्शंस चल रहे हैं. लास्ट ईयर इट वॉज इटली, इसलिए इटली के ऊपर सवाल पूछ दिया गया था वोल्केनिक इरप्शंस के ऊपर, स्ट्रॉम्बोली, एटना, वेसुवियस. अभी पूरा पैसिफिक क्वेश्चन के आसपास इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, और ये देखिए अब अदक वोल्केनो, ये देखिए माउंट देनाली. यस यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, माउंट देनाली. ये नाम चेंज हुआ था फ्रॉम माउंट मैकिनली. यस, द न्यू नेम केम अप एंड माउंट देनाली. इट्स अ पार्ट ऑफ विच रेंजेस टेल मी, क्या ये अलास्का रेंजेस का पार्ट है क्या रॉकी माउंटेन्स में, मुझे बताइए. तो आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स. तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट न्यूज. इस न्यूज को कहां अटैच कीजिएगा, वैल्यू एडिशन में, अगर वोल्केनिक इरप्शंस के ऊपर कुछ आ गया जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में तो, और मैपिंग में आ सकता है, मींस पेयर्स में आ सकता है. Aleutian Islands किसका हिस्सा है, अदक आइलैंड कहां पर है, पैसिफिक ओशन. आइए आगे बढ़ जाए, सेकंड न्यूज. लव लाइक द वॉन्डरिंग अल्बेट्रस, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट विंग्ड बर्ड. नोट कीजिएगा, लॉन्गेस्ट विंग्ड बर्ड, उड़ने वाली पक्षी, सबसे लंबी. ठीक है, वो ऑस्ट्रिच और एमू और कीवी छोड़ दीजिए, ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा बर्ड होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर लॉन्गेस्ट विंग्ड बर्ड की बात चल रही है, और दिस उसके बारे में हिंदू में डिस्कशंस आए. ये मैंने न्यूज़ क्यों उठाया डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आपको ग्रेट इंडियन बस्टार्ड के बारे में पता है स्टूडेंट्स, वो कितने एक्स ले करता है, कितने यंग वंस आते हैं पर ईयर, मुझे बता दीजिए, टेल मी. तो आइए देखते हैं एल्बेट्रस, ये साउथ हेमस्फीयर में पाया जाता है ये बर्ड, मैं बता दूं, ये देखिए बर्ड को देखिए. ठीक है, और साउथ हेमस्फीयर में पाया जाता है और पैसिफिक ओशन के आसपास सबसे ज्यादा एग्जिस्टेंस है इस बर्ड का. ठीक है, सबसे बड़ी बात है दैट एवरी 2 ईयर्स इट लेज डाउन ओनली 1 egg. सो अ सिंगल चिक कम्स आउट ऑफ इन एवरी 2 ईयर्स, दैट मीन्स देयर मीन्स यू कैन से द रिलेटिव फर्टिलिटी एज कम्पेयर टू अदर बर्ड्स इज वेरी लेस. ये देखिए द एज डिफरेंस इन मोस्ट पेयर्स इज यूजुअली 2 or 3 years, ये देखिए फॉर ब्रीडिंग. और यहाँ पर 2 साल में 1 egg, और वहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 1 साल में 1 egg. सवाल आ सकते हैं, इसे बर्ड्स को लेकर सवाल आ सकता है दैट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द ओनली बर्ड क्या इट हैज़ द लीस्ट फर्टिलिटी अमंगस्ट ऑल द बर्ड्स. रॉन्ग स्टेटमेंट है, एल्बेट्रस का उससे कम फर्टिलिटी है, देखिए यहां पर क्लियर. और दिस यही इसी वजह से मैंने ये न्यूज उठाया और यहां डिस्कस कर रहा हूं मैं. लेकिन सोचिए इतना ज्यादा चैलेंजेस हैं इस बर्ड के मींस ऑफस्प्रिंग को लाने में, बड़ा करने में, लेकिन फिर भी द बर्ड्स द पेरेंट्स दे गिव देयर होल एंड सोल अपॉन दिस. मीन्स समझ लीजिए एक पेरेंट एक बच्चे का ध्यान रखता था तो 12 दिन तक दूसरा पेरेंट जाकर खोज कर खाना लेकर आता है पूरे पैसिफिक ओशन में. सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस यू आर सीइंग आल्सो इन द एनिमल किंगडम इन अदर एनिमल्स द बर्ड्स. तो यहाँ से बस स्टूडेंट्स इतना काफ़ी, देखिए यहाँ पर 3,500 किलोमीटर तक जाता है दूसरा. ठीक है, मीन्स द वन ऑफ द पेरेंट्स एंड हंट्स मेनली स्क्विड्स. ये देखिए स्क्विड्स लिखा हुआ है, स्क्विड की ही हंटिंग होती है ज़्यादा. एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड. ठीक है,
एक्स लेयर करने के बाद 78 डेज है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द बर्ड वर्ल्ड, मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो एक एग दो साल में 78 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, एग से हैच करने में न्यू वंस को। स्क्विड की हंटिंग करने जाते हैं पेरेंट्स, 12 दिन देख सकते हैं आप एवरेज ये होता है, एक पेरेंट आता है फिर तो दूसरा पेरेंट निकलता है तुरंत, सोचिए। तो दिस इज ऑल अबाउट, इवन समटाइम्स इट टेक्स 30 डेज फॉर द पेरेंट, यू कैन सी इट हियर। सो टू एंश्योर दैट देयर इज नो फेलियर इन द हैचिंग ऑफ द यंग वंस, दे गिव देयर होल एंड सोल आउट देयर। एल्बेट्रस के ऊपर ये जितना इंफॉर्मेशन मिला इसको एक जगह पर लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज इट कैन बी आस्क्ड कंपेयरिंग विद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दैट्स इट। आइए आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट न्यूज, डेनमार्क होप्स टू पंप सम क्लाइमेट गैस बीनीथ द सी फ्लोर। पहले इस देश को तो देख लीजिए कितना छोटा देश है, ये देखिए यहाँ पर जूटलैंड, ये देखिए पेनिनसुला है डेनमार्क का, जीलैंड जिसके ऊपर कॉपेनहेगन कैपिटल लोकेटेड है, देखिए स्टूडेंट्स ये देखिए, क्यूनेन आइलैंड भी देखिए यहाँ पर है देखिए, एंड अभी बॉर्नहम आइलैंड न्यूज में आया था स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ये बाल्टिक सी और नॉर्थ सी के बीच में ये देश, यहाँ पर दो स्ट्रेट्स हैं कैटेगैट एंड स्कैगराक, ये देखिए स्ट्रेट्स क्या आपको पता है स्टूडेंट्स, मुझे बताइए। ये देखिए अब ये देश डिसाइड कर लिया है कि मुझे तो कार्बन कैप्चर करके डालना है सी फ्लोर के नीचे, बोला जा रहा है बहुत रिस्की है, ये बोल रहा है देश की रिस्की है, तो क्या दिक्कत है, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, लेट सी व्हाट दिस न्यूज इज ऑल अबाउट। एक्सपर्ट्स वॉन्ट दैट कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज स्टिल एन अनप्रूवन टेक एंड रिलाइंग ऑन इट कुड मीन कुड अंडरमाइन एफर्ट्स टू डीकार्बनाइज द एनर्जी सेक्टर। तो देखिए इसका फायदा क्या है, कार्बन कैप्चर हो जाएगा, इसका घाटा क्या है, देखिए इसी सब हेडिंग में आ गया, इसका घाटा ये है कि इट विल बी अ इजी सॉल्यूशन, इंसान इजी सॉल्यूशन ही तलाशता है, नहीं मुझे बताइए। तो इंसान अभी डीकार्बनाइज करने के लिए एनर्जी सेक्टर को इतने सारे कन्वेंशन साइन किए जा रहे हैं, इट विल बी अंडरमाइंड, सब कोई कहेगा अरे ये तो रास्ता है ही क्या, ठीक है कार्बन सिक्वेस्टर करना नीचे में सी फ्लोर के, तो क्या दिक्कत है। अभी लास्ट वीक भी न्यूज आया था सीमेंट को लेकर भी सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो लेट सी, डेनमार्क पुश्ड द बटन वेडनेसडे ऑन एन एंबिशियस प्रोजेक्ट दैट एम्स टू बरी वास्ट अमाउंट्स ऑफ प्लैनेट हीटिंग CO2 बीनीथ द नॉर्थ सी फ्लोर इन द होप दैट इट कैन हेल्प द नॉर्डिक नेशन एंड अदर्स मीट क्लाइमेट टारगेट्स, वन ऑफ द शॉर्टकट्स, दैट्स इट। और शॉर्टकट्स भले कितने भी अच्छे हों, लॉन्ग कट्स, ठीक है लंबे रास्ते से, मीन्स अगर आप अगर एम्बिशियस गोल्स है तो लंबा रास्ता ही उठाना ठीक, ओवर एम्बिशियस गोल्स नहीं उठाना चाहिए, और यही इस आर्टिकल में दिया हुआ है, दैट स्टिल द टेक इज अनप्रूवन, दैट्स इट। इनिशियली द गैस विल बी शिफ्ट इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम एन INEOS प्लांट इन बेल्जियम, बट द प्लान इज टू ब्रिंग इन CO2 फ्रॉम डेनमार्क एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज लेटर ऑन। और उसके बाद ये कार्बन कैप्चर करेगा और 1.8 किलोमीटर बिलो द सी बेड ये हर साल डालेगा कार्बन को, इंजेक्ट करेगा, कितना कार्बन डालेगा, 1.5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ CO2 विल बी पुश्ड इनसाइड द सी बेड। यू कैन सी इट हियर, UNEP भी कह रहा है और IPCC भी कह रहा है, यस दिस इज वन ऑफ द टेक्स, दिस इज वन ऑफ द टेक्स। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं टेक कहने का और करने का अलग है, पहले रिसर्च कर लो, कहीं कुछ सी बेड में कोई दिक्कत हो गई तो क्या उसका रिसर्च हुआ है यहां पर। तो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज का सबसे पहला प्रैक्टिकल लेवल पर इतने लार्ज अमाउंट्स का सिक्वेस्ट्रेशन, डेनमार्क इज द फर्स्ट कंट्री, इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, क्या ये क्लियर है मुझे बताइए स्टूडेंट्स। और IPCC पता है क्या कह रहा है, IPCC कह रहा है कि यार कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, हाँ ये दिस इज वन ऑफ द वेज, ठीक है करने दो जो करना है, लेकिन उसके बावजूद भी क्लाइमेट चेंज गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे 2030 तक। मीन्स इट्स लाइक IPCC एंड IEA आर ऑन द सेम थिंग, ठीक है कुछ भी कर लो नहीं होने वाला अचीव, इट विल डिस्टर्ब द मराइन इकोसिस्टम, इट विल डिस्टर्ब द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑल्सो। और कैसे सी फ्लोर के नीचे जाकर आप कीजिएगा, पता नहीं अर्थक्वेक, मीन्स देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मूवमेंट्स होंगे, ट्रेमर्स आ सकते हैं, एनर्जी क्रिएट हो सकता है उस जगह पर, इट्स स्टिल अनप्रूवन, मैंने कहा ना एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट ये अभी बेवकूफ़ी है अगर अभी किया जाए, इट्स बेटर टेस्टिंग R&D फीजिबिलिटी स्टडी शुड बी डन, देन ओनली सच अ बिग स्टेप शुड बी टेकन, दैट्स इट। यस यस 7 दिन में UPSC करने वाला बात हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ
ये सब ये वैल्यू एडिशन के लिए है। डेनमार्क का लोकेशन कहां पर देख लीजिएगा और बॉर्नहम आइलैंड याद कर लीजिए, ठीक है। नॉर्ड स्ट्रीम याद कर लीजिए स्टूडेंट, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 याद है ना, मुझे बताइए। नेक्स्ट टॉपिक, मॉथ फाउंड इन तिरुनेलवेली एंड ट्यूटी कोरिन डिस्ट्रिक्ट्स आफ्टर 127 ईयर्स फोटोग्राफ फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कहाँ चले गए थे भाई साहब, कहीं चले गए थे वापस आ गए हैं। इंग्लिश एंटोमोलॉजिस्ट ने 1893 में इसको डिस्क्राइब और इलस्ट्रेट किया था 1893 में। और क्या क्या हुआ था मुझे बता दीजिए स्टूडेंट, तो मैं समझ लूँगा कि आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में कुछ तो पता है। मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बताइएगा मुझे। तो ये देखिए मॉथ स्पीसीज ये पाया गया है। अब बोल रहा है कि 27 साल के बाद आ तो गया हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मॉथ मेमियोसेमिया सिलोनिका, सिलोनिका सिलोन से निकाला गया है वर्ड। ये देखिए स्टूडेंट, सिलोन इज द नेम ऑफ श्रीलंका। ये देखिए मॉथ स्पीसीज फर्स्ट इलस्ट्रेटेड बाई जॉर्ज हैम्पसन 1893, यू कैन सी इट हियर। स्पीसीज वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग अगस्त्य मलाई। मार्क कर लीजिएगा, क्या ये बायोस्फीयर रिजर्व है मुझे बताइए स्टूडेंट्स। इट्स अ बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन केरल इन द सदर्न मोस्ट पोर्शंस। और शायद आपने सुना होगा वहाँ पर कुछ सेंचुरीज और पार्क्स है। पेपरा नेयार सुना है आपने मुझे बताइए, कलक्कड़ मुंदन थुरई सुना होगा आपने। ये देखिए कलक्कड़ मुंदन थुरई टाइगर रिजर्व, इट्स अ पार्ट ऑफ अगस्त्यमलाई, साथ में नेयार पेपरा सेंचुरीज। यस, इज इट क्लियर, लेट मी नो। 1893 की बात कर रहे हैं भाई, इंडिया से कोई गए थे शिप के ऊपर, ठीक है, गए शिकागो, कुछ बताइए क्या हुआ था उस समय। अरे हिस्टोरिकल, मैं मॉडर्न इंडिया की पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, ओके। उस समय जब इस मौत को डिस्क्राइब इंडिया में किया जा रहा था, तब इंडिया की तरफ से कोई रिफॉर्मर गए थे शिकागो वर्ल्ड रिलीजन्स के कन्फ्रेंस में, और कुछ फेमस इंसिडेंट्स हुए थे 1893 में। I hope all of you know about this. Yes, Prince ने put up किया है। चलिए आगे बढ़ जाएं students. क्या ये clear हुआ मुझे बता दीजिए। तो ये moth species क्या ये indicator species है? Yes, indicator species है। नहीं, आप पूछिए सर ये गया कहाँ था? अब इससे पूछना पड़ेगा, हमें नहीं पता इसका answer, ठीक है। इससे पूछना पड़ेगा कि ये गया कहाँ था, सिलोन गया था कि गल्फ ऑफ मन्नार में गया था कि उड़ गया था कहीं, अभी आ गया है कि इसका मूड नहीं कर रहा था, ठीक है, कि मेरा फोटोग्राफ लिया जाए। अब फोटोग्राफ लिया जा रहा है, देखिए ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ चले स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से सेंचुरीज आते हैं, क्या ये सवाल यूपीएससी ने पूछा है आज से ठीक 6 साल पहले 2017 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये है डॉक्टर डी बाला सुब्रमण्यम। ये हर संडे को लिखते हैं द हिंदू में, और इन्होंने फिर से आज कुछ लिखा है और सिलेबस बढ़ गया आप लोगों। ये वही पर्सनैलिटी जिन्होंने लिखा था कभी कलर्स के बारे में इन द फूड्स, ठीक है, कभी लिखा था दिस मॉस्किटोज के बारे में, कभी लिखे थे बनाना के बारे में, कभी लिखे थे इंडिगो के बारे में, अब आज डिफॉरेस्टेशन के बारे में लिख रहे हैं और कह रहे हैं। चलिए ये भी पढ़ लीजिए और थोड़ा अपना सिलेबस बढ़ा लीजिए। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स सी। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट्स आउट दैट सिंस 1990 420 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट थ्रू कन्वर्जन टू अदर लैंड यूजेस एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल यूज एंड बायोफ्यूल्स इन ऑर्डर टू फीड 11 बिलियन ह्यूमंस बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। दिस विल इन पर्टिकुलर अफेक्ट द ट्रॉपिकल रीजन सच एज इंडिया चाइना एंड अफ्रीका। साफ साफ दिखा रहा है डिफॉरेस्टेशन का मेन कारण बायोफ्यूल्स अटैच हो गया। देख लीजिए पहले से हमें पता था एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल यूज बायोफ्यूल्स, मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। क्या FAO 5 साल पे पब्लिश करता है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ द वर्ल्ड? यस, और इंडिया में जो फॉरेस्ट सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट्स पब्लिश होते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो कितने साल में पब्लिश होता है मुझे बताइए, और कौन सा इंस्टीट्यूशन पब्लिश करता है, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स।
ये देखिए ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट एवरी 5 ईयर्स FAO पब्लिशेस इट। 31% ऑफ द लैंड ऑन अर्थ इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। ये याद कर लीजिए डेटा, 31% लेस देन वन मीन्स इट्स नॉट 31% एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन मोर देन 1/4 लेस देन 1/3। व्हेन ट्रीज आर फेल्ड दे लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर एंड हेंस ग्लोबल वार्मिंग। डीफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस 11% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। CO2, CH4, N2O, SO2 एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसका 11% डीफॉरेस्टेशन से आता है। डीफॉरेस्टेशन का कॉज बायोफ्यूल्स, एक एक्स्ट्रा पॉइंट। डीफॉरेस्टेशन एज अ मेजर कॉज 11% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, यू कैन सी इट हियर। दिस 1% इंक्रीज इन डीफॉरेस्टेशन लीड्स टू 0.93% डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन रूरल कम्युनिटीज दैट डिपेंड ऑन ओपन वेल्स एंड फ्लोइंग स्ट्रीम्स। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है, यू कैन कोट दिस डेटा इन मेंस। ये देखिए, ऑल्सो ट्रीज रिलीज वाटर इन टू एटमोस्फियर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन एंड दिस कम्स डाउन एज रेनफॉल, दस डिफॉरेस्टेशन इज डबल इफेक्ट। अबाउट 30% ऑफ अर्थ लैंड एरिया इज कवर्ड बाई फॉरेस्ट, येट इन द नेम ऑफ फूड सप्लाई लैंड यूज फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड टेक अ लॉट ऑफ डिफॉरेस्टेशन अकर्स इन मेनी कंट्रीज। तो सवाल आ सकता है डिफॉरेस्टेशन का असर कहां कहां पड़ रहा है, ये सवाल निकल सकता है यूपीएससी में, ठीक है, मेंस के लिए रेडी कर लीजिएगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, नेक्स्ट इंडिया में सिचुएशन। टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज अबाउट 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 22% ऑफ टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ द कंट्री। 22%, मोर देन 1/5, लेस देन 1/4, नोट कर लीजिएगा। Of these, the twin islands of Andaman and Nicobar have 87% of total area. ये देखिए, जितना forest cover है, ठीक है, India में 22% of the total geographic area है, उसमें से Andaman Nicobar में 87% total have 87% of the total area. You can see it here. So this clearly signifies the Himalayan states of Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh have about 21,000, 24,000 and 16,000 square kilometer of forest area respectively. Yet the government of India has removed a significant fraction of trees in order to build underpass and overpass highways in these regions. तो यहाँ data important नहीं है students, ठीक है, clear, data important नहीं है, लेकिन ये 22% बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। And likewise, the National Highways Authority of India is set to start the expansion of 45 km stretch of NH-163 from 2 to 4 lanes, ठीक है। Towards this, they want to destroy 9,000 banyan trees in चवेल्ला मंडल इन तेलंगाना। तेलंगाना से NH-163 जाता है, याद रखिए। दिस जाइंट बैनियन ट्रीज आर सेंचुरीज ओल्ड, एस्टैब्लिश बाय द निजाम्स एंड अदर फॉरेस्ट लविंग ग्रुप्स। सो नथिंग न्यू इन दिस, इट्स जस्ट दैट एग्जामिन द एविल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। 10 मार्क्स 150 वर्ड्स, लिख लीजिएगा। एग्जामिन द एविल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, 10 मार्क्स 150 वर्ड्स। एविल इफेक्ट्स में आपको क्या लगा? ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का 11% ये देता है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप, ठीक है। इज इट क्लियर, मुझे बताइए। उसके बाद लिखा हुआ है इसका असर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी भी पड़ता है, ये देखिए, ठीक है। और इसके अलावा यू कैन सी इट हियर दैट ट्रांसपिरेशन पे भी असर पड़ेगा, दैट्स इट। आइए आगे बढ़ चले। लैंड स्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, विच स्टेट्स रीजन्स आर मोस्ट वल्नरेबल, इसरो ने रिलीज कर दिया है लैंड स्लाइड एटलस इंडिया का। और देखिए हॉटस्पॉट एरियाज देखिए इसने बना दिए हैं इस जगह पर, देखिए कहाँ कहाँ दिख रहा है इंडिया का मैप में, स्टूडेंट्स मुझे बताइए इस मैप में कहाँ कहाँ दिख रहा है लैंड स्लाइड प्रोन बेल्ट। ये देखिए महाराष्ट्र दिख रहा है, केरल दिख रहा है, यस, जम्मू कश्मीर दिख रहा है, उत्तराखंड दिख रहा है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में क्या सारी जगह दिख रहे हैं, यस। ये देखिए 30 डिस्ट्रिक्ट्स मोस्ट वल्नरेबल टू लैंड स्लाइड्स, ये देखिए रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, थ्रिसूर, राजौरी, हर जगह के बारे में यहाँ मेंशनिंग देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स। लेकिन सबसे ज्यादा लैंड स्लाइड प्रोन रीजन्स वेस्टर्न हिमालयस में है, J&K एंड उत्तराखंड में, इस 15 places में से सबसे ज्यादा, ये देखिए सॉरी 30 places में से सबसे ज्यादा, यू कैन सी इट हियर, 30 places out here given. Maximum are in western Himalayas. What is the reason? Tell me in the chat box. ये सवाल पहले भी UPSC पूछ चुका है that western घाट्स and Himalayan belts में landslides के causes में फर्क क्या है, consequences में फर्क क्या है.
ये लैंडस्लाइड एटलस इसरो ने रिलीज किया है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के साथ में, और इंडिया इज अमंग्स द टॉप 4 कंट्रीज विद हायर लैंडस्लाइड रिस्क। ये देखिए इंडिया टॉप 4 कंट्रीज में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यू कैन सी इट हियर। तो दिस हाईएस्ट लैंडस्लाइड रिस्क इंडिया में सबसे ज्यादा है, ठीक है। और ये देखिए इंडिया के मैप में सबसे ज्यादा कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट हिमालयन लैंडस्लाइड प्रोविंस, ये देखिए इसे नाम दिया गया है यहाँ पर। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट, ये देखिए इसके अलावा देखिए वेस्टर्न घाट्स लैंडस्लाइड प्रोविंस, आप देखिए मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका एंड केरल, यू कैन सी इट हियर। तो मेजॉरिटी ऑफ एंड बहुत, ये देखिए रिपोर्ट से मैंने पुट अप किया यहाँ पर, रिपोर्ट बहुत अच्छा पब्लिश हुआ है, पहली बार कुछ रिपोर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया में जो भी रिपोर्ट्स पब्लिश होते हैं इतने ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं और कोई डायग्राम नहीं होता है कि मज़ा नहीं आता है पढ़ने में, लेकिन पहली बार ये रिपोर्ट अच्छा लगा। मैं ये रिपोर्ट ग्रुप पे पोस्ट करूंगा टेलीग्राम पर, देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, उसमें लैंडस्लाइड्स के मास वेस्टिंग के वराइटीज बताए गए हैं, मैं बता दूँ आपको। तो द मेजॉरिटी ऑफ लैंडस्लाइड्स आर ट्रिगर्ड बाय वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल पैटर्न्स। देखिए यहाँ से भी कुछ मिलेगा आपको मैटर, व्हाइल स्पोरैडिक इवेंट्स सच एज वेरी हैवी रेनफॉल आउटसाइड द मॉनसून पीरियड। ये देखिए ट्रिगरिंग फैक्टर देख रहे हैं लैंडस्लाइड्स को लेकर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अर्थक्वेक्स आर ऑल्सो ट्रिगरिंग फैक्टर, सिक्किम अर्थक्वेक, ठीक है। द नॉर्थ मोस्ट इंडियन स्टेट्स जे एंड के, हिमाचल एंड उत्तराखंड आर द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स बाय लैंडस्लाइड डिजास्टर्स, यू कैन सी इट हियर। ये डेटा आ गया है, प्रीलिम्स में आ सकता है। एज द मेजॉरिटी ऑफ टेरिटरी फॉल्स विद इन द हिमालय, मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दी स्टेट्स हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज, मेजर पिलग्रिमेज रूट्स और मेजर टूरिज्म स्पॉट्स आर एक्सपोज्ड एंड अफेक्टेड बाय लैंडस्लाइड्स। Although the northeastern states have many landslides per year, they are not particularly vulnerable to them in terms of socio-economic factors due to their lower population density and wide unoccupied mountain areas. देखिए northeast India और northwest means हिमालय में, northeast हिमालय and northwest हिमालय का difference आ जाएगा students। northwest हिमालय या northern most Indian states J&K, हिमाचल and उत्तराखंड, ये वर्स्ट अफेक्टेड क्यों है, बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, मेजर पिलग्रिमेज सेंटर्स एंड टूरिज्म स्पॉट्स। एग्री कर रहे हैं मुझे बताइए। एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में क्या क्या दिक्कतें हैं, देखिए वहां पर दिस पॉपुलेशन डेंसिटीज कम है एंड अनऑक्युपाइड माउंटेन एरिया से, इसीलिए वहां कैजुअलिटीज कम होती हैं, ठीक है। वहीं पर वेस्टर्न घाट से देखिए, द वल्नरेबिलिटी ऑफ इनहेबिटेंट एंड हाउसहोल्ड इज मोर सिग्निफिकेंट इन द वेस्टर्न घाट ड्यू टू द वेरी हाई पॉपुलेशन and household density, especially in Keral, very very important, very high density. When fewer landslides exist than in the Himalayan regions, kam landslides hote hain lekin zyada casualties. Ye dekhiye, the Himalayan range has a significant influence on the geographic distribution of landslides. The spatial distribution of landslides is controlled by shale sandstone meta sediments generating dissected hills and valleys. Maine pehle bhi bataya tha students, rock ka nature, shale rock very weak, theek hai, इसीलिए शेल रॉक से बना हुआ हिमालयन बेल्ट, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है, हिमालयन रेंज में ज्यादा लैंडस्लाइड्स की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं बाकी माउंटेन्स की कंपैरिजन में, ठीक है। दिस टुगेदर विद द रेनफॉल बिटवीन 750 टू 1000 mm इज द कॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स। ऑल्सो द चेनाब सब बेसिन हुज ज्योग्राफिक एक्सपांस प्राइमरली कंप्राइजेस स्टीपली स्लोपिंग माउंटेन्स रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स। चेनाब बेसिन मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए दैट्स इट। अनऑक्युपाइड माउंटेन एरिया का मतलब होता है जहां कोई नहीं रहता है, ठीक है, मिजोरम में, मणिपुर में, सिलचर के बाहर में, ठीक है, बहुत सारी जगहें हैं पहाड़ियों पर कोई नहीं रहता है, लेकिन वेस्टर्न हिमालय में सब कोई रहता है, क्यों, टूरिज्म स्पॉट्स हैं वहां पर। तो यही स्टूडेंट्स दिया हुआ है। इन शॉर्ट यहां से क्या आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मालूम चला, दैट लैंडस्लाइड्स का ट्रिगरिंग फैक्टर, टेल मी स्टूडेंट्स ट्रिगरिंग फैक्टर, ठीक है। तो ट्रिगरिंग फैक्टर आपको लिखना है, नंबर वाइज लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट आउट है। आइडेंटिफाई द लैंडस्लाइड प्रोन रीजन्स ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द कॉजेज बिहाइंड देयर अकरेंस। 10 marks on 50 words, दैट्स इट। कितना सटीक सवाल, आइडेंटिफाई अगर वर्ड आ गया मेन्स के क्वेश्चन में, तो आइडेंटिफाई का मतलब होता है मैप बनाना स्टूडेंट्स, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यस यस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आइए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, दिस डिजास्टर मैनेजमेंट से टॉपिक्स हो गए, आइए आगे बढ़ते हैं साइंस एंड टेक की तरफ।
साइंस एंड टेक में आज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया स्टूडेंट्स, ये देखिए पहले पहला इंफॉर्मेशन, दिस यू कैन सी साइंस एंड टेक जीएस पेपर 3, वर्ल्ड टू मिस गोल ऑन कटिंग सोडियम इनटेक सेज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज अ रिपोर्ट स्टेटिंग दैट द अर्थ इज वेल बिहाइंड इट्स गोल ऑन कटिंग डाउन सोडियम इनटेक बाय 30% बाय द ईयर 2025। यानी साफ साफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये सेट किया गया था टारगेट 2025 तक सोडियम इनटेक 30% रिड्यूस करना है, ठीक है, बाय 30%। तो सोडियम कहाँ प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड में, सॉल्ट में, और सॉल्ट क्या करता है, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज। ये देखिए, इन अ रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट WHO हैज स्टेटेड दैट अ सॉल्ट इनटेक ऑफ लेस देन 5 grams, अप्रॉक्सिमेटली 2 grams सोडियम, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, हम लोगों ने ये पहले देखा था स्टूडेंट्स, ठीक है, 5 grams नमक से ऊपर नहीं खाना एक दिन में। और यहां एक नया, ठीक है, यहां एक नया इंफॉर्मेशन आ रहा है, 5 grams नमक में 2 grams सोडियम होता है, ठीक है, तो पर पर्सन पर डे 5 grams सॉल्ट इन विच 2 grams सोडियम इज देयर इज सफिशियंट, ठीक है, टू प्रिवेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस लीडिंग कॉज ऑफ डेथ्स ग्लोबली। ये देखिए, इट इज टू बी नोटेड दैट 194 मेंबर कंट्रीज ऑफ WHO हैड कमिटेड टू द टारगेट सेट इन 2013 ऑफ रिड्यूसिंग सॉल्ट इनटेक बाय 30%। ये देखिए कब सेट किया गया था, SDGs के पहले सेट किया गया था स्टूडेंट्स ये टारगेट 2013 में, सॉल्ट इनटेक 30% से रिड्यूस करना है विद इन 2025। केवल 5% देशों ने यह काम किया है, क्योंकि बाकी का ध्यान ही नहीं है। नहीं, मुझे बताइए, बाकी का ध्यान नहीं है, बाकी कहीं पॉलिटिकल कूप्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, कहीं मिलिट्री कूप्स हो रहे हैं, ठीक है, कहीं फोकस है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन हेल्थ के ऊपर अभी तक किसी ने भी सेट नहीं किया है तरीके से टारगेट्स। क्या ये चिंता की बात है? मैं बता दूं आपको, सबसे क्रूशियल पॉइंट किसी भी देश के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर सेक्टर होता है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना फोकस करने से काम नहीं बनेगा, केवल हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन आर अननेसेसरी इंग्रेडिएंट टुवर्ड्स द सक्सेस एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। आई होप यू एग्री, टेल मी इन द चैट बॉक्स। इन मेनी हाई इनकम कंट्रीज अप्रॉक्सिमेटली 75% ऑफ द सॉल्ट इन द डाइट कम्स फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड्स एंड मील्स प्रिपेयर्ड आउटसाइड होम। इसीलिए प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाना चाहिए, और प्रोसेस्ड फूड्स अगर आप खरीदते हैं, एक बार देख लिया कीजिए कितना नमक है उसके अंदर, मैं बता दूं आपको। सोडियम इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, बट कंज्यूमिंग टू मच इंक्रीजेस अ पर्सन्स रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड प्रीमैच्योर डेथ। इसे लिख लीजिएगा, इसका असर क्या होता है, ठीक है। इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज मोस्ट सोडियम कंजम्पशन कम्स फ्रॉम सॉल्ट एडेड एट होम इन कुकिंग एंड एट द टेबल और थ्रू कॉन्डिमेंट सच एज फिश सॉस एंड सोया सॉस। ये देखिए, दैट्स इट। द रिपोर्ट सेज द एस्टिमेटेड ग्लोबल एवरेज सॉल्ट इनटेक इज 10.8 grams पर डे, मोर देन डबल द WHO रिकमेंडेशन। तो एक इंसान 2 चम्मच से ऊपर नमक खाता है एक दिन में, खाना चाहिए 5 grams या 1 चम्मच। तो इसे याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये डेटा यहाँ से, कब ये कन्वेंशन साइन किया गया था और कितना ग्राम नमक खाना चाहिए, देखिए या प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ जाए, देखिए ऐसे भी ट्रांस फैट्स के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, अब ये सॉल्ट इनटेक के ऊपर भी डिस्कशन। हाउ इज बंगाल टैकलिंग फेटल वायरल इन्फेक्शन, एडीनो वायरस इन्फेक्शन है स्टूडेंट्स। ये देखिए एडीनो वायरस क्या होता है, देखा जाए द हिंदू का ये आज आया है दिस प्रीमियम में एक्सप्लेनर पेज, आइए देखते हैं। तो लगभग एविडेंस नहीं है, लेकिन 100 बच्चों की डेथ हो गई है दिसंबर और मार्च के बीच में, कहा जा रहा है। बंगाल इज सेइंग ओनली 19 चिल्ड्रन हैव सकम्ड, बट द डेटा हैव द डेटा बाय द इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैव पुट द डेथ फिगर्स एट मोर देन 100। लेट्स सी व्हाट इज एडिनो वायरस। द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ US गवर्नमेंट स्टेट्स of US government states that adenovirus are common viruses that typically cause mild cold or flu like illness। ab re sir aapne ye kyon padha, aap khud dekhiye kaun define kar raha hai ye sab, kya hamare paas aisi agency nahi honi chahiye jo ye sab define kare aur put up kare, mujhe bataiye, theek hai। center for disease control and prevention ye dekhiye of US government, wahan se set kiya ja raha, wahan se definitions aa rahe hain, to pura world follow kar raha hai, तो फिर क्या फायदा हुआ ये बताइए। वी ऑल्सो नीड टू ब्रिंग अप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दिस इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड। जब हमारे यहाँ कुछ हेल्थ डिजास्टर स्ट्राइक करता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ काम करते हैं,
कि नहीं टेस्टिंग सेंटर खोल दिए जाएं, उसके बाद ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, व्हाई नॉट एट दिस टाइम। यस, ऐसे आया हुआ है इस बार इसी तरीके के टॉपिक को लेकर। क्या ऐसे आया हुआ है? द बेस्ट टाइम टू मेंट द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। एग्री कर रहे हैं? मुझे बताइए स्टूडेंट्स। तो देखिए, इसको देखकर तो जोसेफ बाइडेन बहुत खुश हो गए। नहीं, खुश तो बहुत हो तुम। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एडिनोवायरस आर कॉमन वायरसेस दैट टिपिकली कॉज माइल्ड कोल्ड और फ्लू लाइक इलनेस एंड आर यूजुअली स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर्स बाय क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट। वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर बाय कफिंग, स्नीजिंग एंड ऑल्सो बाई टचिंग। ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही स्प्रेड नहीं करता, ये ऑब्जेक्ट या सर्फेस से भी स्प्रेड करता है। ये देखिए, while the virus can affect people of any age group, children with low and compromised immunity are at higher risk. The symptoms of the infection, this is a viral infection, and its symptoms kya hain? Flu like symptoms, acute bronchitis, yes, inflammation of the passage of the windpipe going inside the lungs, phephde mein jaane ka jo windpipe hai uske andar ka inflammation, pneumonia, pink eye, that is conjunctivitis and acute gastroenteritis. Ye dekhi. So these are the symptoms of adenovirus. What is the strain prevalent in Bengal? Dekhiye. So this the strain prevalent in Bengal is human adenovirus type 3, HADV3, which is more prevalent, and type 7, which is more severe, has led to morbidities. Ye dekhi. अब इतने डिटेल्स नहीं आएंगे, लेकिन एडिनो वायरस क्या होता है बस इतना जान लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। और सबसे ज्यादा ये इन्फेक्ट कर रहा है छोटे बच्चों को, स्पाइक आ गया है वायरल इन्फेक्शन में, एंड डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल वर एडमिटेड टू पीडियाट्रिक इंस्टीट्यूशन इन कलकत्ता। देखिए यहाँ पर पीडियाट्रिक्स विभाग पर प्रेशर आ गया है बंगाल के अंदर। तो इज देयर अ लिंक बिटवीन को मॉर्बिडिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी? आई देखा जाए, इन्फेंट मोर्टेलिटी इन वेस्ट बंगाल स्टैंड्स एट 22 पर लाइफ 1000 बर्थ्स and under 5 year mortality rate is at 25.4, ठीक है, per 1000. The figures are better than the national average, but when it comes to nutrition status of children, the state does not fare so well. Children in West Bengal under 5 years are stunted 33.8% and under 5 years are underweight 32.2%. अब ये data important नहीं है, लेकिन आप एक चीज note कर रहे हैं, stunting and underweight का जो concept है, does that signify that the poor nutrition status is there in the state? Or poor nutrition always leads to poor immunity inside the body? Do you agree? Tell me in the chat box, students. Agree कर रहे हैं? मुझे बताइए। तो यहां पर बस इसीलिए ये information put up किया गया इस जगह पर, ठीक है। तो adenovirus infection, उसके symptoms, और इम्यून सिस्टम से इसका लिंकेजेस, ये देखिए। और देखिए मैटरनल हेल्थ, अब देखिए जो स्टंटिंग और वेस्टिंग हो रही है बॉडी में बच्चों की, मैटरनल हेल्थ इज आल्सो अ क्रूशियल फैक्टर एंड स्टडीज हैव शोन दैट इफ अ मदर इज अंडरवेट, हर चाइल्ड हैज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड बीइंग बॉर्न अंडरवेट। मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। और इसका मतलब साफ है कि मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड मैरिज का भी असर पड़ेगा इस पूरे सिस्टम में। देखिए कैसे हेल्थ केयर पे सोसाइटी का असर पड़ रहा है। यस यस, दिस मींस ऑल द डिसिप्लिन्स आर इंट्रिकेटली लिंक्ड, द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड द स्टेटस ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग द फैक्टर्स सच एज चाइल्ड मैरिज, मैटरनल हेल्थ, पोजिशन ऑफ वुमेन इन अ फैमिली इज इंपैक्टिंग द सर्वाइवल रेट ऑफ द इन्फेंट्स इन एडिनोवायरस इन्फेक्शन। क्या बात है, देखिए यहां पर। तो यही है स्टूडेंट्स इस जगह पर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो है ही, लेकिन ये सब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं एंड दिस कंबाइंस एंड गिव्स अ बिग इंपैक्ट अपॉन द मींस इट इंक्रीजेस द मोर्टैलिटी रेट्स अक्रॉस डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। एडिनोवायरस ट्रांसमिशन देख लीजिए यहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने अटैच किया है। ये कहां से अटैच किया? वही यूएस का वेबसाइट से उठाकर लाइमेंट ने पुटअप किया था। मैंने सिम्टम्स यहाँ लगा दिए हैं, देखिए मतलब क्या है, बीमारी ही बीमारी चल रही है, क्या कहा जाए। आइए आगे बढ़ते हैं अगली बीमारी की तरफ। नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज आफ्टर जैपनीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीनेशन, आज आया है साइंस एंड टेक में बड़ा सा, ठीक है, ये बहुत बड़ा आर्टिकल आया है साइंस एंड टेक के पेज पर।
जैपनीज एनसेफलाइटिस, हैव यू हर्ड? क्या इसमें सबसे ज्यादा जो बर्डन ऑफ डिजीज है स्टूडेंट्स, इज इट इन गोरखपुर ऑफ उत्तर प्रदेश? टेल मी. ठीक है, तो ये एशिया और एशिया पैसिफिक में ये जैपनीज एनसेफलाइटिस पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा ये साउथ एशिया में अभी स्प्रेड किया, सबसे ज्यादा इसका डिजीज बर्डन साउथ एशिया में है और इंडिया में उसमें गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है. ठीक है, इसके सिम्टम्स बता दूं मैं. ठीक है, सिम्टम्स ऑफ जैपनीज इंसेफलाइटिस, ठीक है, द मोस्ट केसेस आर माइल्ड बट सीरियस इन्फेक्शन कॉजेज ब्रेन स्वेलिंग. इंसेफलाइटिस का मतलब यही होता है, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, एनसेफाल मीन्स ब्रेन. ठीक है, तो ब्रेन इन्फ्लेमेशन एंड सडन हेडेक, हाई फीवर, डिसओरिएंटेशन एंड डेथ. तो बच्चा लोगों की डेथ भी हो जाती है इसमें अगर ठीक से नहीं ट्रीट किया गया तो. एंड जैपनीज एनसेफलाइटिस में बता दो स्टूडेंट्स आपको, ये स्प्रेड करता है. ठीक है, इस मैं सिम्टम्स फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, नोट कीजिएगा. हेडेक, वॉमिटिंग, फीवर, मसल पेन. तो जैपनीज एनसेफलाइटिस स्प्रेड बाय द ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ अ मॉस्किटो. तो मुझे बताइए क्या ये भी डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स वेक्टर पर? यस, और वो क्यूलेक्स मॉस्किटो. क्यूलेक्स मॉस्किटो आप जानते हैं, मुझे बताइए. मॉस्किटो के तीन प्रकार जो आप पढ़े होंगे, एनोफलीज, फीमेल एनोफलीज कॉजेज मलेरिया. सेकेंड, एडीज इजिप्टी, द बिग मॉस्किटो हैविंग कॉम्बो पैक्स ऑफ डिजीजेस. और ये तीसरा क्यूलेक्स मॉस्किटो कॉजेज, आपने सुना होगा एलिफेंटियासिस, सुना है आपने? टेल मी, या फाइलेरियासिस. और यहां पे भी क्यूलेक्स का रोल है जैपनीज एनसेफलाइटिस में. ये पेयर्स में आ सकता है प्रीलिम्स में, नोट कर लीजिएगा. तो इस वायरस को लेकर ये मच्छर चलता है, कॉम्बो पैक नहीं ले जाता है, बड़ी बात है. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या इस न्यूज में आया. इस न्यूज में आया है कि चाइना में एक वैक्सीन बना था जैपनीज एनसेफलाइटिस का, वो इंडिया में दिया जा रहा था लेकिन उससे प्रोटेक्शन नहीं है. ठीक है, स्मॉल ट्रायल इन वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट हैज फाउंड सीरो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस, डिक्रीज शार्पली इन फुली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन, यू कैन सी इट हियर. तो स्टडी वाज कैरिड आउट, ये देखिए, तो दिस चिल्ड्रन इन द गोरखपुर रीजन आर मोर वल्नरेबल टू इन्फेक्शंस डिस्पाइट बीइंग फुली वैक्सीनेटेड ड्यू टू वेनिंग एंटीबॉडीज एंड एंडेमिसिटी. ये देखिए, जैसे ही एंटीबॉडीज नीचे जाते हैं तुरंत इन्फेक्शन, और एंडेमिक हो चुका है ये इन्फेक्शन यहां पर, ये देखिए. तो लॉन्ग टर्म नहीं है प्रोटेक्शन, सीरो प्रोटेक्शन बाय इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जेनवैक. ये देखिए, ये चाइनीज वैक्सीन है जेनवैक, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. ठीक है, वैक्सीन के अलग अलग प्रकार स्टूडेंट्स, उसमें इनएक्टिवेटेड वायरस पुटअप किए जाते हैं, और उस दिस जैपनीज एनसेफलाइटिस वायरस पुटअप करके और तब इंजेक्शन दिया जाता है वैक्सीनेशन, और इससे इम्यून रिस्पॉन्स आता था लेकिन अब डिप कर रहा है, ये देखिए. So this shows that in contrast, a trial carried out using an inactivated vaccine Genvac developed by Bharat Biotech in collaboration with NIV Pune using a virus strain created in India has found superior protection at the end of 2 years even with a single dose. ठीक है, ये Chinese vaccine, ठीक है, sorry, Genvac has been made by Bharat Biotech. Chinese vaccine को लेकर testing की गई थी, जिसको लेकर ये आया हुआ है that waning protection. ठीक है, waning protection. That's it. So Genvac, ये देखिए. The November 2020 trial also found significantly higher neutralizing antibodies when children received 2 doses of Genvac rather than 2 doses of Chinese vaccine. So Chinese vaccine परेशानी में. Genvac has been developed by Bharat Biotech. Very very important. It is better off. ऐसे भी Chinese vaccine बहुत दिक्कत की बात है. Covid में भी काम किया नहीं. Agree कर रहा था, मुझे बताइए. कहीं पे भी काम नहीं किया. Vaccine में China कहीं नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. तो यहां से क्या उठाना है, यहां से बस इतना उठाना है, क्यूलेक्स मॉस्किटो जैपनीज एनसेफलाइटिस, ठीक है, एंड एंडेमिक रीजन गोरखपुर, दैट्स इट. आइए आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड टेक के भी न्यूज हो गए, इकोलॉजी एनवायरमेंट के भी न्यूज हो गए. आइए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स, लेट्स सी. अगला टॉपिक ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, सऊदी अरब ईरान रेस्टोर रिलेशंस इन डील ब्रोकर्ड बाय बीजिंग. क्या बात है, आईआरजीएस पेपर 2 का टॉपिक ये देखिए, सऊदी अरब एंड ईरान
क्या बात है। देखिए बीच में चाइना का ये बंदा, ठीक है, चाइना का ये पर्सन ये मीडिएट कर रहा है, गया यूएस यहाँ पे काम से। मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये तो बहुत दिक्कत की बात है अमेरिका के लिए। ये ईरान और सऊदी अरब, इतना दिन से कोल्ड वॉर चल रहा था कहाँ पर, वेस्ट एशिया में, और मीन्स इतना ज्यादा कोल्ड वॉर हाइट पे था। ये शिया कंट्री, ये सुन्नी कंट्री, ये देखिए। लेकिन एट प्रेजेंट इसमें बीजिंग ने आकर कहा कि दोनों साइन कर लो डील, मैं आ गया हूं बीच में। ये देखिए, इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप के समय जब अब्राहम अकॉर्ड साइन किए गए थे, तब सऊदी अरब वॉज इन फेवर ऑफ साइनिंग अ डील विद इसराइल। ये देखिए, इसराइल के साथ डील साइन करवा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, किसका, यूएई का, बहरीन का, ठीक है, सुदान का, ये देखिए सुदान, और मोरक्को का, ये देखिए। तो अब क्या चिंता की बात है मुझे बताइए, अब क्या चिंता की बात है यहां पर। वेस्ट एशिया डायनामिक्स एंड पॉलिटिक्स इज चेंजिंग, दिस क्लियरली सिग्निफाइज अनदर पोल इज राइजिंग अप इन वेस्ट एशिया विच इज एंटी यूएस। ये देखिए, तो इसका मतलब साफ है, ठीक है, दैट यूएस जहां पे डोमिनेट किया जियो पॉलिटिक्स को, वहां पर अब यूएस का खात्मा। जोसेफ बाइडेन को अभी नींद नहीं आ रही होगी। देखिए यह लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं इस आर्टिकल के कुछ कुछ स्टेटमेंट्स को, आपको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ। बट इट्स ऑल्सो रियल स्लैप इन द फेस टू बाइडेन। देखिए बाइडेन कह रहे हैं कि भाई यही सब लिखना था, एट अ टाइम, ठीक है, एट अ टाइम व्हेन यूएस चाइना रिलेशंस आर गेटिंग कोल्डर, एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान इज गेटिंग कोजियर विद बीजिंग। ये देखिए, और ये दिक्कत की बात है, ये मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब का जो प्रिंस है, ऐसे भी नियोम सिटी बना रहा है रेड सी पर डोमिनेट करने के लिए, और यहाँ लिखा हुआ है कि बाइडेन के फेस पर ये स्लैप है। ये देखिए, यूएस के फेस पर नहीं, ये बाइडेन लिखती, बाइडेन का मीन जोसेफ बाइडेन का तो इज्जत ही नहीं रहा भाई। देखिए यहाँ पर, द गल्फ चाइना समिट इन रियाद इन दिसंबर वॉज अ की इन गेटिंग बीजिंग मोर इंटरेस्टेड इन डी एस्केलेटिंग टेंशन बिटवीन रियाद एंड तेहरान। ये देखिए, गल्फ चाइना समिट बहुत चिंता की बात है। और इसके बाद मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में पॉलिटिक्स चेंज कर जाएगा, एंड चाइना स्टेप्ड अप इट्स रिलेशन विद सऊदी अरब एंड ईरान इन रिसेंट ईयर्स एज इट बिकेम अ मेजर बायर ऑफ मिडल ईस्ट ऑयल, बट इट्स एम्बिशंस हैड लॉन्ग अपीयर्ड मर्सेंटाइल विद लिटिल इंटरेस्ट इन इन्वॉल्विंग इटसेल्फ इन द रीजन्स मेसी डिस्प्यूट्स। अभी तक लग रहा था कि ये केवल पैसे के लिए खेल कर रहा है चाइना, यहाँ पर अब पॉलिटिक्स में भी एंटर कर रहा है इस जगह पर वेस्ट एशिया में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स में इसे, क्या ये इंडिया के लिए भी एक थ्रेट कॉल है मुझे बताइए। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर ड्यूरिंग अ मीटिंग विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स जीना रेमोंडो, ठीक है, ये देखिए, ये जीना रेमोंडो हैं और ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन सेमी कंडक्टर्स विल हेल्प इंडिया प्ले बिगर रोल इन इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन ऑफ यूएस। ये देखिए, एयर इंडिया डिसीजन टू परचेज 220 बोइंग एयरक्राफ्ट विल क्रिएट ट्रेमेंडस नंबर ऑफ जॉब्स इन द यूएस। यूएस को भी जॉब की जरूरत है आज मालूम चला हमें, ठीक है, हमें किस चीज़ की जरूरत है बता दीजिए स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ भी तो जॉबलेस ग्रोथ चल रहा है, नहीं मुझे बताइए। तो ये देखिए, ट्रेमेंडस नंबर ऑफ जॉब्स इन यूएस, और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा खुश हो गई हैं। ये देखिए, और ये इसके बाद आकर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन क्रिएट करने की बात कर रही है इंडिया में सेमी कंडक्टर्स के लिए। देखिए, तो इंडो यूएस रिलेशंस में अटैच कर लीजिएगा इस न्यूज को, नहीं अब फोटोज क्या जूम किया जाए, फोटो देख लीजिएगा जूम करके, जब पीडीएफ पोस्ट करेंगे आज पीडीएफ तुरंत पोस्ट कर देंगे, फोटो देख लीजिएगा जूम करके। ओके चलिए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स, तो ये इंडिया यूएस रिलेशंस आप पुट अप कर दीजिएगा। व्हाट इज द न्यू यूके पॉलिसी ऑन रेफ्यूजीज। ओके, यूके में भी परेशानी, ठीक है, क्या हुआ है देखा जाए, ये आज एक्सप्लेनर पेज द हिंदू में आया स्टूडेंट्स, व्हाई हैव द यूएन रेफ्यूजी एजेंसी एंड द ईयू क्रिटिसाइज द इलीगल माइग्रेशन बिल। अब यूके में एक बिल लाया गया इलीगल माइग्रेशन बिल, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ उसमें। द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ऑफ यूके इज प्रपोजिंग टू अडॉप्ट अ न्यू स्ट्रिक्ट पॉलिसी टू डील विद असाइलम सीकर्स हु अराइव ऑन द आइलैंड वाया बोट। ये देखिए, तो बोट पे चढ़कर नहीं आना है, ट्रेन से आ सकते हैं, रोड से आ सकते हैं, तैर कर आ सकते हैं,
हवा से कूद कर आ सकते हैं, लेकिन बोट से आइएगा तो चिंता की बात है। ठीक, तो क्या होगा चिंता की बात, बोट से आइएगा, असाइलम सीख कीजिएगा तो पकड़ दिए जाइएगा वहां पर, और तुरंत उसके बाद आपको रवांडा भेज दिया जाएगा। मैंने रवांडा, ये सर कहाँ है, ये देखिए रवांडा, ये देखिए, इसकी यही बड़ी खूबी है कि ये लेक विक्टोरिया के बगल में है। ठीक है, वैसे इसका समुद्री, इसका कोस्ट नहीं लगता है लेक विक्टोरिया पर, लेकिन छोटा सा देश है रवांडा, सदर्न हेमस्फीयर में इक्वेटर के नीचे। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि अफ्रीका में है, और देखिए यहाँ पर, और क्या लिखा हुआ, लेट्स सी। तो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने कहा स्टॉप द बोट्स, यानी बोट्स में मत आइएगा, अब बाकी तरह से आ सकते हैं। ठीक है, तो दिस द प्रपोज प्लान टू डिपोर्ट टू ओरिजिन और रिमूव असाइलम सीकर्स अराइविंग इन द यूके बाय बोट टू अ थर्ड कंट्री हैज बीन शार्पली क्रिटिसाइज्ड बाय यूएन रेफ्यूजी एजेंसी, यूएन हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजीज एंड बाय द लीडर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये देखिए, they have argued that the new UK policy is incompatible with international law, specifically the 1951 convention relating to the status of refugees and the European convention on human rights, and while the illegal migration bill is yet to be passed by the UK parliament, once it get passed it will have retrospective applicability. Retrospective ka matlab kya, back date se march 7 se lagu ho jayega, iske baad jo bhi nav mein pahuncha hai nav samet bahar kiya jayega. Ye dekhiye, so what is the political context for the bill? Policies to regulate immigration, specifically of undocumented workers and asylum seekers, have always been a sensitive political issue in the UK as in other developed economies. So it's all about ki ye log pahunch rahe hain wahan par, Africa se log, aur wahan pe job le rahe hain, lag raha hai job wahan rakha hua hai, le liya ja raha hai. This is aimed at protecting the UK jobs or shifting the focus to skilled workers arriving through legal routes. Ye dekhiye, UK keh raha hai yaar स्किल्ड वर्कर्स आ जाओ, अनस्किल्ड वर्कर्स यहाँ पर आ रहे हैं, इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ रही है, इकोनॉमी यूके की ध्वस्त हो रही है, मैं बता दूं स्टूडेंट्स, इतनी ध्वस्त की परेशानी की बात है। शायद इनके पहले, ऋषि सुनक के पहले जो पीएम बनी थी लीज ट्रूस, उन्होंने रिजाइन ही किया था इसलिए क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या किया। ठीक है, पहले उन्होंने अनाउंस किया कि ऐसा होगा बजट, ऐसा होगा टैक्सेशन आने के पहले, ओके, फिर जैसे ही आई फिर वो लगा कि यार ये तो बहुत दिक्कत की बात है, रिजाइन करके साइड हो ली। तो यूके की इकोनॉमी परेशानी में चल रही है एट प्रेजेंट, और इसको लेकर, अनस्किल्ड वर्कर्स को लेकर ही चिंता है। देखिए यहाँ पर, द बिल व्हेन पास्ड इनटू लॉ बाय द यूके पार्लियामेंट विल रिक्वायर दैट द होम सेक्रेटरी डिटेन एंड रिमूव दोज अराइविंग इन द यूके इलीगली ईदर टू रवांडा और अनदर सेफ थर्ड कंट्री। है देखिए, टू डिनाई माइग्रेंट्स टू द राइट टू बेल और जुडिशियल रिव्यू फॉर द फर्स्ट 28 डेज ऑफ देयर इमिग्रेशन डिटेंशन, would only allow migrants who are minors, medically unfit to fly or at risk of serious harm in the country. तो इसलिए बस उन्हीं को रखा जाएगा जो minors हैं या medically unfit हैं fly करने के लिए, या serious harm है उनको अपने देश में, तभी इनको यहाँ रखा जाएगा। देखिए कर्म वापस आता है, ये लोग पहले बाहर जाकर colonize करते थे सबको, ठीक है, अब अपने यहाँ ही colony से परेशान हो गए, नहीं मुझे बताइए। So this is all about the bill which comes out, it is going to create some means, कह सकते हैं repercussions upon the global geopolitics. Let me tell you, especially in European Union, the so-called small boat arrivals comprise approximately 45% of total asylum applications made in 2022. ये देखिए, वो भी small boat, ये देख सकते हैं आप, which was close to 89,000, a new high after the figure dropped to a 20-year low of 22,600 in 2010. ये देखिए, 22,000 लोगों ने केवल असाइलम सीख किया था बोट से आकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, नाव में बैठकर जाकर असाइलम सीख करने वालों की संख्या 22,600 थी 2010 में, और अभी 89,000 हो गया है, बिग जंप। ये नाव बनाकर लोग आ रहे हैं या नाव से आ रहे हैं? नाव से आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं? अफ्रीकन कंट्रीज, और कहाँ से आ रहे हैं? सीरिया से। कौन से देशों को अलाउड है यूके में आकर बसना, कौन से देशों के रेसिडेंट्स को या असाइलम सीकर्स को? देखिए मैं बता दूं आपको, यहाँ पर अफगानिस्तान लिखा हुआ है कहीं पर, अफगानिस्तान एंड टू मिनट्स लेट मी पुट अप आउट हियर, यस दिस सेफ एंड लीगल रूट्स। देखिए, द बिल वुड आल्सो सीक टू सेट अ कैप ऑन द नंबर ऑफ रिफ्यूजीज हु विल बी परमिटेड टू सेटल इन द यूके थ्रू सेफ एंड लीगल रूट्स विच एट द मोमेंट ओनली अप्लाई टू पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान एंड यूक्रेन और हांगकांग। ये देखिए, केवल तीन देश या दो देश के लिए और एक मीन्स
चाइना के अंदर में सब कंट्री के लिए सब डिविजनल कंट्री, या आप ये भी कहते हैं कि एक देश जो कन्फ्लिक्ट में है, एक देश जहां पर कुछ पता ही नहीं है, और एक देश जो चाइना के अंडर में है, मींस डिफरेंट इकोनॉमिक एंटिटी फ्रॉम चाइना बट अ पार्ट ऑफ चाइनीज पॉलिटिक्स, ये तीनों से ही अलाउड हैं आकर एट प्रेजेंट लोगों का बसना, दैट्स इट। तो यही है, रवांडा भेज जाएंगे ये लोग। ठीक है, रवांडा कोई अच्छी जगह है क्या? अच्छा, यहाँ पर देखिए रवांडा कहाँ पर है, आपको मैंने मार्क करवाया स्टूडेंट्स, पर लेक विक्टोरिया है ये, रवांडा रिफ्ट वैली में आता है। यस, लेक विक्टोरिया रिफ्ट वैली में नहीं आता, ये देखिए। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग बोट पे जा रहे थे, इटली के पास बोट कैप्साइज कर गया, ठीक है। ये कैलाब्रिया करके जगह थी इटली के कोस्ट पर, तो वहां पर बोट कैप्साइज कर गया, बोट परेशानी में पड़ गया। बोट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, आप देख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, इकोनॉमी के फील्ड से टॉपिक आया है, वाइज क्रिप्टो ट्रेड विद इन पीएमएलए एम्बिट। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट 2002 में डाल दिया गया है क्रिप्टो ट्रेड को भी, ये देखिए। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आज द हिंदू में एक्सप्लेन पेज पर आया है, लेट्स सी। ऑन मार्च 7 टू फर्दर टाइटन द लूजली रेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट, Finance Ministry said that all virtual digital assets will come within the ambit of prevention of Money Laundering Act 2002. ये देखिए, virtual digital assets, ये देखिए। What is PMLA? The Anti-Money Laundering legislation was passed by the National Democratic Alliance government in 2002 and came into force in 2005. The PMLA was showcased as India's commitment to the Vienna Convention. याद कर लीजिए, on combating money laundering, Vienna Convention इससे भी related है, मार्क कर लीजिएगा। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेरर, ये देखिए वियना कन्वेंशन, इस पे साइन किया गया था, ये देखिए वियना कन्वेंशन, दूसरे चीजों पर भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। द लॉ वॉज एम्ड एट कर्बिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलीगली अर्नड मनी इनटू लीगल कैश। द एक्ट एम्पावर्ड द ईडी टू कंट्रोल मनी लॉन्डरिंग, कन्फिस्केट प्रॉपर्टी एंड पनिश द ऑफेंडर्स, यू कैन सी इट हियर। इन जुलाई 2022, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस टोल्ड द लोकसभा इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेरी ऑन केसेस रजिस्टर्ड बाय द ईडी, इसमें कितने केसेस हुए, क्या हुआ, यही सब लिखा हुआ है। ईडी का तो रोल आपको पता ही है। अब सवाल यह है कि ये न्यूज क्यों आया, क्रिप्टो करेंसी को भी डाल दिया गया इसके अंदर, उसके ट्रेड को। द गैजेट नोटिफिकेशन बाय द मिनिस्ट्री ब्रिंग्स क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन विद इन द एम्बिट ऑफ पीएमएलए, यानी अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें आ जाएंगे आप, ठीक है। This means that Indian crypto exchanges will have to report any suspicious activity related to buying or selling of cryptocurrency to the Financial Intelligence Unit, India, FIU, mark कर लीजिएगा। ये brains हैं ईडी का, ठीक है, यही देता है information कहाँ जाना है, क्या करना है। This central agency is responsible for receiving, processing, analyzing and disseminating information related to suspicious financial transactions to law enforcement agencies and overseas FIUs, ये देखिए। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का है ये, बाकी देशों में भी है मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंट करने के लिए। देखिए ओवरसीज मतलब साफ है, सारे देशों ने एफआईयू सेटअप किया हुआ है। यस, व्हाई इज द गवर्नमेंट टाइटनिंग द लेजिस्लेटिव ग्रिप ऑन डिजिटल ट्रेड? फॉर अ लिटिल मोर देन अ डिकेड क्रिप्टो करेंसीज नॉन फंजिबल टोकन्स एंड अदर डिजिटल एसेट्स एंजॉयड अ रेगुलेशन फ्री एनवायरनमेंट, ये देखिए। बट इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स एज द यूज ऑफ डिजिटल एसेट्स हैज गॉन मेनस्ट्रीम रेगुलेटर्स हैव टर्न्ड हॉकीश, ये देखिए। रेगुलेटेड नहीं था, अनरेगुलेटेड था, कितने लोगों ने पैसा बना लिया, कितने लोगों ने पैसा नहीं बनाया। अब क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा, मैं बता दूं आपको, ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में ये एक ऐसा एसेट है जिसके ऊपर किसी सेंट्रल बैंक का कोई रेगुलेशन नहीं है। एग्री कर रहे हैं, मुझे बताइए स्टूडेंट्स। द वैल्यू ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी अबाउट $804 billion एज ऑफ January 3, 2023 अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो करेंसी प्राइस ट्रैकिंग साइट coinmarketcap.com। दिस इज अबाउट ट्वाइस द GDP ऑफ सिंगापुर इन 2021, ये देखिए। तो 10 करोड़ इंडियंस हैव इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसीज। आप देखिए स्टूडेंट्स, क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हैं और उसके बाद पैसा कमा रहे हैं, रेगुलेट करने का समय तो आ गया है, ठीक है। कब तक कमाइएगा पैसे को, अभी तो आइएगा सरकार के अंडर में, ठीक है। सेपरेटली अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चेन एनालिसिस, इलीगल यूज ऑफ क्रिप्टोकरेंसीज हिट अ रिकॉर्ड $20 billion। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अगर रेगुलेटेड नहीं होगा कोई फील्ड ट्रांजैक्शंस का, तो क्या उससे दूसरी चीजें फंड हो सकती हैं,
खराब चीजें, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, टेल मी इन द चैट बॉक्स। टेररिज्म, यस इट कैन बी फंडेड, इसीलिए इसको अब लाया जा रहा है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस जो भी होंगे अब रिपोर्ट होगा, और क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस अब खुले छूट में नहीं दिए जाएंगे। दैट्स इट। ट्रैकिंग मनी ट्रेल इन क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस मे रिक्वायर न्यू टूल्स, अब इसके लिए नए टूल्स चाहिए होंगे। न्यू अप्रोचेज, एज मच एज सच ट्रांसफर्स डिफर फंडामेंटली फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल्स, इफ आई यूज मे बी फैमिलियर विद नो योर कस्टमर और कस्टमर ड्यू डिलीजेंस नॉर्म्स, बट द टेक नेचर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स प्रेजेंट्स अ न्यू चैलेंज इन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये जो ये सेंटेंस आया, ये कहाँ यूज करना है? क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करने में क्या चैलेंज आ सकता है? टेक लिखा हुआ है ना, मुझे बताइए। ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की बात चल रही है, मैं बता दूंगा आपको। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, कोई 5 करोड़ का कर लिया, ठीक है, कमा लिया पैसा एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, ये सब जो ट्रेडिंग होती है ये चिंता की बात है। ऐसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस कहां से हो रहे हैं, उसके पैसा कहां से आया इतना भाई, पैसे का सोर्स क्या है, ये सब FIU और ED पता करेंगे, क्योंकि अब PMLA के अंदर ये आ गया। दैट्स इट। क्या दूसरे जगहों पर ऐसे रेगुलेशंस हैं? लिखा हुआ है, देखिए, ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशंस रिपोर्ट 2023 के तहत, ठीक है, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीज आर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ ड्राफ्टिंग रेगुलेशंस अराउंड क्रिप्टो। लाना पड़ेगा भाई, जरूरत है, मैं बता दूं, क्योंकि इससे मनी लॉन्ड्रिंग अब नया एक डायरेक्शन ले रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा अब क्रिप्टो करेंसीज में ही डिमांड किए जा रहे हैं कितने सारे, ठीक है, वायरस अटैक्स जो हो रहे हैं या रैनसमवेयर अटैक्स हो रहे हैं उसमें क्रिप्टो करेंसीज में डिमांड किए जा रहे हैं रैनसम्स। एग्री कर रहे हैं मुझे चैट बॉक्स में, यस कीजिए। US, UK, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा हैव इनिशिएटेड प्लान्स ऑन रेगुलेटिंग सो फार। चाइना, कतर, सऊदी अरब हैव इशूड अ ब्लैंकेट बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी, यू कैन सी इट हियर। यूरोपियन यूनियन भी इसके ऊपर फोकस कर रहा है, इसको टाइटन करने के नॉर्म्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक सवाल निकल सकता है, एग्जामिन द नीड ऑफ रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसीज एंड क्रिप्टो ट्रेड, या एग्जामिन द नीड, या वाई शुड क्रिप्टो करेंसी एंड क्रिप्टो ट्रेड बी ब्रॉट अंडर PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। दैट्स इट। 10 मार्क्स, 150 वर्ड्स, ये आ सकता है, नोट कर लीजिए। तो इतना काफ़ी है, क्या क्लियर हुआ? कुछ कुछ स्टूडेंट्स, देखिए मैंने बता दिया, ये IR में सऊदी अरब ईरान आपने पढ़ा, सेमीकंडक्टर्स पर MOU आपने पढ़ा, UK का डिपोर्टेशन का बिल आपने पढ़ा, एक्सप्लेन पेज में क्रिप्टो ट्रेड PMLA एम्बिट आपने पढ़ा, ठीक है, उसके पहले आप लोगों ने दिस इन द फील्ड ऑफ दिस ज्योग्राफी एंड ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड लैंडस्लाइड एटलस पढ़ा आपने, ठीक है, इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन के साइड इफेक्ट्स पढ़े आपने, ठीक है, उसके पहले ये मौत के बारे में पढ़ा, ये गायब हो गया था, अब आ गया है आपका सिलेबस बढ़ाने के लिए 127 साल बाद। ये भी कह रहा होगा आ गया हूँ मैं, अब सिलेबस बढ़ेगा, ठीक है। देखिए ये मौत का नाम ही है सिलोन के ऊपर, मेम्यूसेमिया सेलोनी का, ये देखिए। और उसके बाद स्टूडेंट्स, डेनमार्क ने ये कार्बन स्टोरेज की बात कही और न्यूज़ आ गया, देखिए। उसके पहले ये अल्बैट्रस रेड इंडियन बस्टर्ड से हम लोगों ने कंपैरिजंस देखे स्टूडेंट्स फर्टिलिटी रेट्स को लेकर। उसके अलावा अलास्का में प्रॉब्लम्स, ठीक है, वोल्केनिक करप्शन चल रहे हैं, वैली ऑफ स्मोक्स यहीं पर हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जैपनीज एनसेफलाइटिस, चाइनीज वैक्सीन, ये देखिए, एंड एडिनो वायरस के सिम्टम्स, यू कैन सी इट हियर। के पहले स्टूडेंट्स, सॉल्ट इनटेक को लेकर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन देखा। एक लास्ट न्यूज़ देखिए यहाँ पर, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ट्रेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू फाइंड लाइफ ऑन मार्स, ही देखिए, पढ़ लीजिएगा। इसमें बस लिखा हुआ है कि AI का इस्तेमाल किया जा रहा है चिली के अटाकामा डेजर्ट में, ठीक है, और वहाँ पर क्या है फोकस, इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ फाइंडिंग एंडोलिथ। व्हाट इज एंडोलिथ? अ टाइप ऑफ रॉक ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म, बस इतना याद कर लीजिएगा और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो एंडोलिथ और बायोटेक का एक टॉपिक है बायोसिग्नेचर, एक बार आप देख लीजिएगा, बायोसिग्नेचर बायोटेक में पढ़ लीजिएगा। दैट्स इट। तो बस आज के लिए इतना काफी है, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, टेल मी द चैट बॉक्स। आपको 2 मेंस के क्वेश्चन मिल गए यहाँ पर, और आज साइंस एंड टेक का पूरा एरिया कवर भी हो गया। ओके, एंड करते हैं सेशन को। इसके पहले वाले सेशन में मैंने बताया था आपको हिस्ट्री को लेकर एक सवाल, अ कंट्री कैन नॉट रिमेन अ प्रिजनर ऑफ द पास्ट, ये आ सकता है इस बार एसए में, ठीक है, रेडी कर लीजिएगा। अ कंट्री कैन नॉट रिमेन अ प्रिजनर ऑफ द पास्ट,
एन इंडिविजुअल कैन नॉट रिमेन अ प्रिजनर ऑफ द पास्ट, ठीक है, अपने इस पास्ट को लेकर इतना मत स्टिक कर जाइए कि आप इमोबाइल हो जाइए, दैट्स इट। यही कहा था नेहरू जी ने एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड उसके बाद, ठीक है। और यहाँ देखिए दिस एट डिफरेंट प्लेसेस, ये इवन अंबेडकर जी ने कुछ कहा है, देख सकते हैं आप, ज्योग्राफी सीम्स टू बी अ बेटर विटनेस देन हिस्ट्री, ये देखिए। सो इट्स ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए हिस्ट्री इज अ बायस्ड, हिस्ट्री इज ऑलवेज बायस्ड बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु हैज, इट्स ऑलवेज सब्जेक्टिव, इट्स नॉट बायस, सब्जेक्टिव होता है, बायस्ड मत कहिए, क्योंकि जो लिखेगा ना वो अपना व्यू पॉइंट पुटअप करेगा वहां। ज्योग्राफी इसीलिए कहा गया ज्योग्राफी, दिस ज्योग्राफी इज सीम्स टू बी अ बेटर विटनेस, व्हाई, क्योंकि वहां पे सब्जेक्टिविटी जीरो हो जाती है, दैट्स इट। ज्योग्राफी में आप फोकस करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशंस के ऊपर, हिस्ट्री में आप फोकस करते हैं पर्सनैलिटीज के, इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। तो नेहरू जी का वो कथन या अंबेडकर जी का ये कथन आ सकता है स्टूडेंट्स एसए में, ठीक है। जो लोग चले गए उन्हीं लोगों का कथन आता है यूपीएससी के एसए में। ऑब्सेशन विद द पास्ट विद द हिस्ट्री इज क्रिटिकल आउट, दैट्स इट। आई विल एंड द सेशन हियर। आईएएस टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल पर आकर उठा लीजिए इस सेशन का फ्री पीडीएफ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद स्टूडेंट। लेट्स एंड, पीडीएफ पोस्ट कर देंगे लोगों के लिए अभी तुरंत।